शांति। आज की तारीख है 21/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे। भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल देने, और फल है मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठिकाना। तो ठिकाना देने बाबा आए हैं। तुम भक्त से अभी वारिस बच्चे बने हो। प्रश्न है, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। कौन सी वो खुशी अंदर में हो जो ढोल बाजे बजे? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलेवेड बाबा आया है। हाँ, हम आत्माओं का मोस्ट बिलेवेड बाबा आया है। हमें विश्व का मालिक और शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा ने हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बना रहे हैं। हमारे सतयुगी राज्य में सब चीजें फर्स्ट क्लास होंगी। सभी तत्व भी वहाँ सतो प्रधान होंगे। आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल यानी फूल समान सुंदर होंगे। इस ही स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य दो धारणा बिंदु। नंबर 1, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे। याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल फूल समान बनाना है। विकर्म भी विनाश करने हैं। नंबर 2 है, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त है। तो इसे ही स्मृति में रहना है। वरदान शिव पिता परमात्मा का, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सन्मुख और समीप भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जैसे सूर्यमुखी फूल सदा सूर्य की सकाश में घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ ही होता है। पंखुड़ियां सूर्य की किरणों के समान सर्कल में होती है। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सन्मुख रहते हैं, वे कभी दूर नहीं होते। वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते और दूसरों को भी चमकाते हैं। स्लोगन है, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।